हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नया व्लॉग। सो बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने व्लॉग बनाया, वॉक अराउंड तो हम कर ही चुके थे, मगर उसके बाद में भी तो मेरे सारे व्यूअर्स चाहते हैं कि हम एक एक फंक्शन को डिटेल्ड एक्सप्लेन करें। सो उसी के लिए मैं बैठा हुआ हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइबर कम होने की वजह से हमको गाड़ी नहीं मिल पाती है। सो व्लॉग बनाना एक टास्क है, पर गाड़ी मिलना उससे भी बड़ा टास्क है। सो व्लॉग को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम की। सो स्कॉर्पियो एन के अंदर जो टॉप वेरिएंट है, जिसमें मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, उसकी स्क्रीन में कौन कौन से फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को कैसे कैसे काम में लेना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा व्लॉग होने वाला है। सो जो लोग ये गाड़ी खरीदेंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं और सीधे के सीधे दिखाते हैं जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसमें कौन कौन से बटन है, क्या क्या फंक्शंस है। सो गाइज, पेश करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या सारे के सारे बटन है, क्या क्या फीचर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने गाड़ी ऑन कर ली। अब सबसे पहले इसके अंदर जो मेन है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास में आएगी डेट और साथ में ई सिम का नेटवर्क। सो ये जो कई लोग जो बोलते हैं, भाई साहब हमारी एड्रेनोक्स काम नहीं कर रहा हमें बताओ, तो बेसिकली ये जो टावर है ना, इसको भी आप चेक कर लें कि ये काम कर रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे पास आया कि एफएम जो है वो इस वक्त फंक्शन में है और म्यूजिक बंद करा हुआ है। कोने पर ये हमारी प्रोफाइल है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसी के साथ के अंदर यहाँ सेटिंग का बटन आ गया और होम का बटन आ गया। नीचे की तरफ आप बात करें तो पहला आप स्क्रॉल कर सकते हो। रेडियो सबसे पहला हमारा आ गया, रेडियो पे हमने टैप करा तो रेडियो में प्रेजेंट में कौन कौन से स्टेशन है, जो स्टेशन आप चाहते हो उसको यहाँ पर लव बना देंगे तो वो स्टेशन आपको प्रेजेंट में दिखाने लग जाएंगे। नेक्स्ट प्रीवियस क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ गई। एम सुनना है, एफएम सुनना है, प्रीसेट जो भी आप चाहते हो वो क्या करना चाहते हो, ये सारी की सारी चीजें हैं रेडियो के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं होम पर जाता हूँ, मैं वापस बाहर जाता हूँ। म्यूजिक इस वक्त इसमें कुछ भी, जैसे मान लो फोन कनेक्टेड नहीं है या फिर हमारा कोई यूएसबी वगैरह में कुछ चीज़ नहीं लगी तो इसको आप टैप करेंगे तो फंक्शनल नहीं है। उसी तरीके से फोन बुक का भी वही हाल है कि अगर मैं फोन कनेक्ट करूंगा तो ये चीज़ें दिखेगी, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। फिर बात करें तो ये नेविगेशन आ गया। माई इंडिया करके ब्रांड है जिसका नेविगेशन महिंद्रा काम में ले रहा होता है। सो इसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक व्लॉग बनाएंगे कि अगर नेविगेशन काम में लेना है मैप माई इंडिया वाला तो आप कैसे लेंगे। मैं होम पर आ गया। नेविगेशन के बाद एप्लीकेशंस। सो इस गाड़ी में क्या क्या एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले फोल्डर ऐड करना है तो न्यू फोल्डर एक बना हुआ है वो। क्लाइमेट कंट्रोल, अगर आपको क्लाइमेट कंट्रोल यहीं से काम में लेना है तो आप यहां से क्लाइमेट कंट्रोल काम में ले सकते हो, जिसमें आप यहां सेटिंग चेक कर सकते हो। एयर सर्कुलेशन आपको कहाँ चाहिए, इसको आप ऑन भी कर सकते हो, हवा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं बहुत ही मध्यम सेट पर। तो अब क्या हो गया हमारा, अगर हमें ड्यूअल जोन चालू रखना है तो, उसे बंद करना है तो, फैन स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो, ऑटो करना है तो, टेम्परेचर यहाँ से कम ज़्यादा करना है तो आपको इन बटन्स को छूने की जरूरत भी नहीं। मगर ये बटन ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है आपके यूज़ के हिसाब से कि आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर दोनों टेम्परेचर आ गए कि 20.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त मुझे चाहिए और इधर 20 डिग्री सेल्सियस पैसेंजर बगल वाले के लिए, और यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। मैं वापस आ गया होम पर। होम पर आने के बाद में एप्लीकेशन ड्रॉअर में और क्या क्या चीज़ है, अगर आने वाले टाइम जो कनेक्टिंग ऐप्स आएगी वो डायरेक्ट इसके अंदर आएगी, ठीक है। कनेक्टिंग ऐप्स के बाद में जो अगली चीज़ है, अब हाँ, एप्लीकेशन ड्रॉअर को आप यहाँ से भी टैप कर सकते हो और नीचे से भी उठा सकते हो। सो नीचे से आपने जब उठाया तो इसमें एप्लीकेशन ड्रॉअर, डॉक्यूमेंट्स, आप क्या है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है इसकी और 700 की, तो आप 700 के व्लॉग्स देखोगे तो भी ये चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ गया। डाउनलोड मैनेजर, कोई भी नई फाइल आएगी तो इसमें आएगी। जो फ्रंट व्यू कैमरा है वो यहाँ से चल जाएगा आपका, ये फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी व्लॉग बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब नई चीज़ क्या है इसके साथ में, गैलरी, अगर आपने कोई भी फोटो का स्क्रीनशॉट लिया, वीडियो या फोटो चाहिए तो आप क्या करोगे, आप गैलरी में जाके उसको देख लोगे कि वो किस चीज़ में, जैसे माई फोटो में, माई ड्राइव पे, यूएसबी फोटो में, यूएसबी वीडियो, तो अगर आपने यूएसबी लगाई है तो आप इसमें जाके चेक कर लोगे। फिर उसके बाद में हम आगे बात करें तो इसमें हॉरोस्कोप है। जिन लोगों को अपने भविष्यवाणी पर भरोसा होता है कि भाई साहब यही सही कह रहा होता है, मुझे नहीं है, हमारी ज़िंदगी थोड़ी फाइटर वाली है, सो वो इसमें चेक कर सकते हैं। जस्ट डायल में जाके वो बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में क्या चीज़ कहाँ अवेलेबल है। माई ड्राइव मैनेजर में जाके
अगर आपने कोई फोटो ले रखी है उसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो और इधर उधर भेज सकते हो। बहुत सारे लोगों ने पूछते हैं कि भैया फोटो तो खींच गई, वो डिलीट कैसे होगी। माई एसयूवी इन्फो के अंदर आप जाओगे और ये आपको बता देगी आपकी एसयूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन। सो जब आप गाड़ी खरीदोगे, केवाईसी कराओगे, तो इसमें आपके पास में सारी डिटेल आ जाएगी और कुछ चीज़ें आप अपनी ऐप के थ्रू इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपको पता नहीं करना पड़ेगा परचेजिंग डेट, बाकी माय डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं ना, जितने भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप पुलिस वाले अंकल को बोलोगे धूप में क्यों परेशान हो रहे हो, गाड़ी में बैठो, अंदर बैठ के देखो ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए गाड़ी के। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास न्यूज़ अपडेट है, सो इंडिया टुडे की एक ऐप प्री इंस्टॉल्ड है, और यहाँ हमारे पास आ गई ओनर मैनुअल। उसी के साथ में रिवर्स, अगर कैमरा मुझको अलग से देखना है तो मैं यहाँ से देखूंगा, टिकट टेप का यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास में। ट्रैवल एक्सप्लोरर जो है ये भी प्री इंस्टॉल्ड है, ये भी वैसा ही कुछ है। वेदर अपडेट, भाई साहब बार बारिश हो रही है तो ये चीज़ आप अंदर बैठे हुए पता करना चाहो कहीं और के लिए तो भी आप कर सकते हो। वर्ड थ्री वर्ड जो ये चीज़ है ये महिंद्रा ने इस गाड़ी में दी है, जिसमें किसी भी तीन वर्ड्स के साथ आप कहीं पर भी नेविगेट कर सकते हो। अगर आपको भूख लगे तो आप जोमेटो पे कुछ खा भी सकते हो। अब यूज़र प्रोफाइल क्या है साहब? यूजर प्रोफाइल XUV700 वाले कस्टमर्स को मालूम है, आपको भी बता देते हैं। सो बेसिकली आप इसको कॉन्फिगर कर सकते हो गेस्ट प्रोफाइल 1 और 2 में। सो इसके ऊपर भी एक अलग से व्लॉग बना देंगे अगर आप लोगों को देखना हो। आप ये मानकर चलो कि अगर मेरे पास 2 चाबियां हैं, 2 लोग हैं, तो बाकी चीज़ें तो मैं सारी एडजस्ट कर सकता हूं। पर अगर मुझे कुछ और चीज़ें एडजस्ट करनी हो, जैसे मान लो मेरे को म्यूजिक सुनना है जैज, मेरे भाई को सुनना पसंद है रॉक, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऑडियो सेटिंग में जाकर आप ऑडियो सेटिंग असाइन कर सकते हो। नीचे जाके यहाँ पर की फॉब के साथ उसको अटैच कर सकते हो, तो अगर मैं मेरी चाबी काम में लूंगा तो हरदम म्यूजिक रॉक ही बजेगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा था, आई डोंट लाइक रॉक, आई लाइक जैज सुनने में, मतलब म्यूजिक के हिसाब से जो टोन होती है, लव रॉक वैसे वाले सेंस में, पर जो कॉन्फिगर करते हैं इसके अंदर उसमें जैज मुझको ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। सो यहाँ से आप बाकी सारी सेटिंग्स कर सकते हो, बताना मुझे, मैं 100% इसके ऊपर अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा। अब मैं जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले सेटिंग में हमारे पास टच साउंड, अगर मुझे चाहिए तो टच साउंड रखूंगा। क्लॉक इन सिस्टम आपको रखना है या बंद करना है वो भी आप कर सकते हो। आप जनरल सेटिंग में गए तो आप देख सकते हो कि यूके या यूएस क्या आपको इसमें यूज करना है। अपन यूके फॉलो करते हैं तो हम यूके वाले पर चले जाते हैं। अगर मैं डिस्प्ले में जा रहा हूं तो डिस्प्ले में आ रहा है ब्राइटनेस कम या ज्यादा करना। उसी के साथ में आपके पास में इसमें आ गया पावर एंड स्लीप, तो यहां से ऑफ है, नहीं तो ये होता क्या, ये अपने आप थोड़ी थोड़ी देर में बंद हो जाता। आपने सिस्टम में आपने क्लॉक डाल रखी है, और अगर आपको स्क्रीन सेवर डालना है तो आप यहां से डाल सकते हो। नीचे की तरफ बात करो तो कौन सी क्लॉक आपको चाहिए सिस्टम में, आप यहाँ डाल सकते हो, वहाँ अपनी एक अलग क्लॉक चलेगी, यहाँ एक अलग क्लॉक चलेगी। और होम लेआउट जो है उसको आपको रीसेट करना है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। मैं आ गया साहब बैक। टाइम एंड डेट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैंने GPS से सिंक कर रखी, अगर नहीं करना चाहो तो ऑफ करके अपने हिसाब से डाल सकते हो। सेम टाइम पर यहाँ पर जब आपने देखा तो ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इस वक्त यहाँ पर चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। सेटिंग सारी की सारी हो रखी है। उसके बाद में मैं जाता हूँ ऑडियो सेटिंग में, तो ऑडियो सेटिंग में आपको किस तरीके का म्यूजिक चाहिए, जैसे स्टेज चाहिए, पार्टी चाहिए। अब इसमें होता क्या, स्पीकर का जो अरेंजमेंट है ना उसके हिसाब से म्यूजिक डिफर करता है। उसके अलावा साउंड पोजीशन, आपको फ्रंट में सुनना है, पीछे सुनना है, सेंटर में सुनना है। साउंड फील्ड, मिड चाहिए, लार्ज चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, जैज जो बेस मिड ट्रिबल अगर आपको सेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो सर्च इंजन है, ये जो डिजिटल साउंड इंजन है, इसकी वजह से आपकी रॉ जो म्यूजिक होती है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। SVDC के अंदर क्या होता है, अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी चलाने पर स्पीड के हिसाब से म्यूजिक जो कम ज़्यादा होता है वो होता है। मैं इसको ऑफ ही रखना पसंद करता हूँ। जो यहाँ की वॉल्यूम सेटिंग है कि आप कौन सी चीज़ के लिए वॉल्यूम कम या ज़्यादा चाहते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर भी इनको सेटिंग को चेंज कर सकते हो। ये ऐसा फील देता है ना जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन काम में ले रहे हो। और उसके बाद में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर आपको रीसेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे की तरफ आ गया हमारा अलेक्सा। सो अलेक्सा बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ये नई गाड़ी है तो इसमें अलेक्सा भी स्टार्ट नहीं हो रखा। गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल सब्सक्राइब करना। आई होप महिंद्रा की तरफ से मुझे आराम से सुकून से गाड़ी मिल जाए ना, तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना सकता हूँ, पर उसके लिए चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए। पर एनीवेज एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा जो है, इसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा, आप XUV700 वाला भी देख सकते हो। फ्रेश देखना चाहते हो तो हम इसके ऊपर भी बनाएंगे कि हाउ टू स्टार्ट अमेजोन एलेक्सा इन स्कॉर्पियो N। मैं आ गया बैक।
उसके बाद में आपका जो फोन है उस फोन को आप अगर आपको डायरेक्ट काम में लेना है कि उसमें क्या चीजें कहां पर है तो आप यहां से ले सकते हो पहला काम। दूसरा, यहां से आप डिवाइस पेयर भी कर सकते हो, ब्लूटूथ पेयरिंग जिसे कहते हैं वो भी कर सकते हो। सो इसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक ब्लॉग बना देंगे, हाउ टू कनेक्ट डिवाइस और डिवाइस लिस्ट, कौन कौन सी डिवाइस लिस्ट में। उसके अलावा नीचे ऐड डिवाइस नहीं करनी हो तो अपनी बीटी जो है ब्लूटूथ डिवाइस उसको डिस्कवरेबल बनाना हो। रिंगटोन्स, एसएमएस सेटिंग्स उनको आप यहां से चेंज कर सकते हो। सो ये सारी की सारी चीजें इस म्यूजिक सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम में इधर की तरफ आपने स्लाइड कर दो और यहां से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखो, इसमें अगर आपके म्यूजिक चाहिए तो आप म्यूजिक करके और इसको बड़ा कर सकते हो मीडियम। अब इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप इसे छोड़ोगे वैसे आपके पास इतना बड़ा म्यूजिक का आइकन आ गया, तो आप कॉन्फिगर कर सकते हो अपने हिसाब से। सो बहुत सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर जिसके ऊपर आपको और चीजें जाननी चाहिए। उसके लिए आपको सिर्फ दो काम करने हैं, पहला अपना प्यार बना के रखो, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अब आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे उतनी ही मेरी किसी भी गाड़ी के लिए अप्रोच बढ़ जाएगी उस गाड़ी के लिए कि मुझे भी वो गाड़ी अवेलेबल हो उसका व्लॉग बनाने के लिए। तो ब्रांड को ये बात, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बहुत देर से ऑन कर रखा है, ब्रांड को ये बात तभी पता चलेगी कि आप वर्थ इट हो या नहीं हो अपनी उस गाड़ी के लिए जब आपके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं। मतलब ये मेरा मानना नहीं है, बहुत सारे इंडिया में और यूट्यूबर होंगे जिनके सब्सक्राइबर कम होंगे पर वो मुझसे कई गुना ज्यादा नॉलेज रखते होंगे। तो एनीवेज छोड़ो उस बात को, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी ही जुड़े रहें, खूब सारे व्लॉग बनाते रहेंगे बैक टू बैक। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।